टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रुक जाइए। देखिए बड़ी आपा, अब आप मेरा तख्त हटाने की बात नहीं कीजिएगा, समझिए आप। वाह भाई वाह, मुझे लगता है अपने दूध की फीडर को ना तुम अभी तक भूले नहीं हो। बजाएं बजाएं। अरे 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 अम्मा भी, क्या कर रही हैं आप? कुछ देर को आराम कर लीजिए, थक जाएंगी। इतना ढेर काम पड़ा है, वो झाड़ों के दुकान है ना, उनके तश्ते भी तक गोटा भी नहीं लगा, और जेवर और बाकी के सब कपड़े, सब मेरे जहन पे बोझ हैं। दिल हलकान हो रहा है सोच सोच के कैसे होगा ये सब कुछ। किसने कह दिया अम्मा, सारे काम हो तो रहे हैं, अब बताएं तो सही करना क्या है। जैसे मेरी बड़ी सुनती हो ना तुम दोनों, है अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या कर रही हो। मैं कर लूंगी जो मुझे करना है बस। हाँ हाँ अम्मा, नया दौर है, आजकल के दौर के हिसाब से इंतजाम होंगे ना, आप बस आराम करें। मैं आराम करूँ, बस काम होना हो। सब काम हो जाएंगे अम्मा भी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही, बस आप कुछ देर आराम कर लीजिए। मेरे आराम के पीछे क्यों पड़ गए, कर लूंगी आराम मैं। अरे कोई तो ढोल रोक लीजिए, अम्मा बी को आराम करना है। क्यों चिल्ला रहा है बिना कोई सुनता ही नहीं अम्मा बी। अरे वाह 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 अम्मा बी, आज मेरे भाई की शादी है, ना ही ढोल की रुकेगी और ना ही गाने बनोगे, समझे आप। ए सज्जी, इधर यहाँ बैठ। कोई ढोल मना नहीं कर, खैर से मेरी आखिरी आखिरी खुशी, बिल्कुल बहनों को मना नहीं करना। मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं आराम कर लूंगी, ना मना कर। थोड़ा आराम। अरे कर लूंगी, कर लूंगी मेरे बाप, कर लूंगी, कर लूंगी आराम। तू जा, जा जाके बाहर का काम दे, जा ना। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर अम्मा भी दोपहर में ना सोईं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यही वजह थी कि वो डिस्पेंसरी से 1-1.5 बजे तक घर आ जाते थे। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि जब तक वो अपने बिस्तर पर नहीं लेटेंगे, अम्मा भी को नींद नहीं आएगी। जेनरेशन गैप के इस शिद्दत पसंद जमाने में लोग साजिद मियां को इस हैरत की नजरों से देखते। शायद मुहज़्ज़ब मुल्कों के वो बूढ़े याद आ जाते होंगे जो छतरे सफेद बालों वाले सरों पर पुरानी वज़ा की हैट रखे राहों पर पड़ी पुरानी बेंचेस पर पहरों बैठे रहते। सज्जू, ए सज्जू। जी अम्मा भी। तो घबरा क्यों जाता है मेरी आवाज पे, तो एकदम बैठ इधर। एक बात सोच रही हूँ, ये तख्त तेरा यहाँ से हटवा दो। हैं? अम्मा भी कैसी बात कर रही हैं आप? छोटी आपा वो भी यही कह रही थी और बड़ी आपा वो भी यही फरमा रही थी, पर मैंने इन दोनों को कह दिया कि ये तख्त यहीं बिछा रहेगा। और अम्मा भी आप भी सुन लें, इस तख्त को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। बावला हो गया क्या? इस तख्त की शान तो तुझसे है, तुझी से थी। अब तू यहाँ नहीं होगा तो
कभी सोते में मेरी आंख खुल गई और तू यहां मौजूद ना हुआ तो मैं क्या करूंगी है? अम्मा भी, मैं भला कहां जा रहा हूं, यहीं तो हूं मैं। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? ये तख्त हमेशा यहीं सजा रहेगा। आप ऐसी बातें मत सोचिए अम्मा भी। अच्छा मेरा बच्चा, इधर आ मेरे पास। उनकी आंखों के सामने कमरे की हर चीज घूम रही थी। दिल पर अजीब सा खौफ तारी था। उठकर उन्होंने बराबर वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गई हूं। इतनी बड़ी बात सुनने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। इतने में अम्मा भी हड़बड़ाकर साजिद मियां के तख्त से टकरा जाती है। अम्मा भी, किधर जा रही हैं आप? बैठे बैठे। वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा जाके बच्चियों के पास बैठ जाऊं, पर तू तो मेरा साया ही बन के रह गया, हिलने तक नहीं देता। अम्मा भी, आप आराम करें। अरे आराम ही तो कर रही थी मैं। सो जाएं थोड़ी देर। हाँ सो जाती आज। तू लेट जा, आप सोएं पहले। हाँ हाँ। सो जा तू आराम से, मैं सो जाऊंगी। लो भलो, ये कैसे हो सकता है? इसका बिस्तर पहले की तरह कैसे सजा रह सकता है? इतनी बड़ी बात इसने कैसे कह दी? अगर किसी को ये बात मालूम हो जाए तो फिर सब ताने देंगे कि अम्मा ने इसे अपनी पाइंती से लगा कर रखा और इसकी शादी नहीं होने दी। मेरे बच्चे, मेरे लाल, माँ सदके चली जाए तेरी मोहब्बत, माँ वारी चली जाए। चार छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अम्मा बी के शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए। मोहल्ले की लड़कियों को कुरान शरीफ पढ़ाकर अम्मा बी ने लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों का जहेज जमा किया। अम्मा बी की नेक नियति की वजह से पूरे खानदान में धूम थी। अगर माँ मुसीबतों से घबरा जाए तो यतीम बच्चे बहक जाते हैं, लेकिन अम्मा बी ने बच्चों को कभी भी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। खानदान वाले मुबारक सलामत का शोर भी मचाते और दिल ही दिल में कुड़ते भी रहते। उनके मुश्तंडे बेटों को गले गले तक नेमतें ठुसाने के बावजूद भी वो सेकंड डिवीजन से आगे ना बढ़ पाते। माजिद मियां ने इंजीनियरिंग कॉलेज के तीसरे साल का इम्तिहान दे दिया। साथ ही साथ साजिद मियां ने FSC मेडिकल में टॉप कर लिया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हासिल कर लिया। उस दिन अम्मा बी ने खुदा के हुजूर पूरे दिन इबादत की। वक्त जब उम्मीदों और आरजुओं से भरपूर हो तो गुजरते देर नहीं लगती। माजिद मियां ने इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी साल अव्वल नंबरों से पास कर लिया और पूरे खानदान को हैरान कर दिया। इंग्लैंड जाने वाले सरकारी वजीफे को भी हासिल कर लिया। जो लोग 2 रुपए के रवादार भी नहीं थे
वही लोग मिठाइयों के डब्बे लिए चले अम्मा बी के घर आ रहे थे। लेकिन अम्मा बी की कुछ अजीब सी ही हालत थी, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। क्यों नहीं समझ आ रही तुम लोगों, अपने बच्चे को नहीं जाने दे सकते। तुम दोनों तो अपने घरों में जा चुकी, इन दोनों मेरा सहारा, मैं तो इसके बगैर रह भी नहीं सकती, तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी आंखों की ठंडक और रोशनी ना, खुद भी नहीं जाएगा ही मुझे छोड़ के कोई ऐसे ना, मेरा बच्चा। ऐसी रो रही थी, ऐसी आंखें भर आई थी, मैं बच्चे की तरक्की की राह में कोई रोड़े थोड़ी अटका रही। अल्लाह का नाम लेके जाओ तो। कोई बात, रह लूंगी मैं। आराम से जाओ। वो अम्मा बी के पास घर पर रुक कर उनको लिपटाए रहे। उसके बाद तो बस जैसे वो उनका साया ही बन गए, अपना बिस्तर उनके बिस्तर के पास बिछा लिया, कॉलेज और फिर घर। रात गए पढ़ाई करते, अम्मा बी के खराटे भी उनको परेशान ना करते। जीता रहे, अल्लाह उम्र दराज करे माँ को चैन देने वाले। साजिद जी। अम्मा बी, मैं सोच रही हूँ जब तेरी यहाँ की तालीम खत्म हो जाएगी तो हो सकता है सरकार तुझे भी वजीफा दे के बाहर भेज दे, क्योंकि माशाल्लाह से तू अपनी तालीम में तो हमेशा बढ़िया रहा है ना? अम्मा बी, मुझे ऐसे वजीफे की कोई जरूरत नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर दे। मैं आपसे दूर कहीं नहीं जा सकता। किसी बात की ना हद होती है, महीनों जाते हैं साजिद भाई की शक्ल देखने को तरस जाते हैं और आपने इन्हें लौंडिया बना के रख दिया। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि ये इम्तिहान में पास भी हो पाएंगे। अम्मा बी, मैं ऐसे ही हमेशा आपकी खिदमत करता रहूंगा। आप कभी ना सोचिएगा मैं कहीं दूर जाऊंगा। दो साल बाद जब माजिद वतन वापस आए तो तोहफों से लदे हुए थे। दोनों बहनें भाई से जैसे मरहूब होकर बिछी जा रही थी, इतरा इतरा कर पूरे खानदान वालों को तोहफे दिखा रही थी। इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद माजिद मियाँ को मुलाजमत तो मिल गई, लेकिन वो बुज से गए थे। 800-900 रुपए के अलावा उनके भवो तले कुछ नहीं आता और वो फिर भी कुछ ना कहते। कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है मेरा बच्चा है, मतलब तभी तो डॉक्टर बनूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तेरा भाई भी आ गया, थक गया मेरा बच्चा, चाय बनाओ। नहीं अम्मा। यार साजिद जी, क्या तुम हर वक्त सर झुकाया लड़कियों की तरह पढ़ते ही रहते हो? थोड़ा घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। माजिद ये क्या बात की तुमने, बच्चा बाहर फिरेगा तो पढ़ाई कैसे करे? तो पता तो है डॉक्टर बनने के लिए कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो फिर हमने तो तुझे बताया
तेरी गैर मौजूदगी में कितनी बीमार हो गई थी, बड़ी मुश्किल से समझी। तेरा छोटा भाई डॉक्टर बन जाएगा, अपना क्लिनिक होगा इंशाल्लाह, फिर मेरा राज कितना आसान हो जाएगा, ये भी तो सोच। हार क्यों फिरे, जा पसीने से शराब बोर हो रही है, कमीज जाके बदल ले, खाना लगा जा। बस मैं चेंज करके आया, खुद पता नहीं कहाँ फिरता रहता, कैसे पढ़ता तू ये सब। अम्मा मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। अम्मा यहाँ मेरी तालीम का जो मुझे मुआवजा मिलता है, मैं उससे किसी तरह मुतमइन नहीं हो सकता। अम्मी प्लीज मुझे जाने की इजाजत दे दें। अम्मा अम्मा चंद बरसों की बात है, मैं वहां से बहुत से पैसे कमा के भेजूंगा, जिससे आप अपने माजी के सारे गम सारे दुख भूल जाएंगी, और ये पुराना 3 कमरों का मकान कोठियों बदल जाएगा। और हाँ, आप एक अच्छी सी बहू ढूंढ के रखिएगा मेरे लिए। और पता है माँ, जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी बहू के साथ जो है वो आपके पोता पोती होंगे, आपके साथ खेलेंगे, यहीं खेलेंगे, यहाँ पे। मुझे पता है अम्मा मैं किस तकलीफ और अजियत से गुजरूंगा, लेकिन अम्मा मेरे फ्यूचर का सवाल, मैं सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा, अम्मा आपके लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ। अम्मा ऐसा करूंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? फिर चंद दिन बाद माजिद वापस चले गए। दोनों बहनें और बहनोइयों ने ढेर सारी फरमाइशें और खुशी के आंसुओं के साथ उनको रुखसत किया। उस वक्त किसी ने भी पलटकर ये ना देखा कि अम्मा भी आंगन की पुरानी काई लगी दीवार पर टेक लगाकर क्यों खड़ी हुई है। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि वो उस दुखिया की तरह सर से पांव तक जल रही हैं। जब साजिद भाई को रुखसत करके लौटे तो उन्होंने अम्मा बी को लिपटा लिया। आप आराम से बैठे अम्मा बी। आराम करें आप। अम्मा बी आप क्यों परेशान हैं? मैं हूं ना आपके पास। अच्छा लो उम्र दराज करे, मेरे माजिद को भी वहां कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई मुश्किल उसके आड़े ना। और अल्लाह तुझे कभी मुझसे जुदा ना कर। अम्मा भी मैं वादा करता हूं मैं आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। बेवकूफ कहीं अब बड़ा हो गया फिर भी बच्चों की तरह माँ को याद करके रो रहा, ये क्या बात है? कौन सा सारी जिंदगी माँ रहेगा? आखिर को एक आध साल में मेरे पास ही वापस आएगा, ऐसे भी कोई याद करके रोता है किसी को?
सारा दिन वो खत को चूमती रहती और बार बार उसी खत को पढ़ती रहती। एक ही साल में माजिद मियां ने अम्मा बी को इतना सब कुछ भेज दिया कि उन्होंने पूरे घर का ही नक्शा बदल डाला। अब उनकी दिली ख्वाहिश थी कि माजिद वापस आ जाए। वो सबसे यही कहती फिरती थी, मामता महलों में रहे यार, झोपड़ी में औलाद पास ना हो तो घर खंडर मालूम देता। ओहो अम्मा, बड़ी कोई नाशुक्री हैं आप। माजिद भाई अगर यहाँ होते तो कौन से आपको सोने के अंडे दे देते। और वैसे भी यहाँ रखा क्या है? वाह वाह वाह, क्या बात है। दरख्तों को पालो पोसो और जब वो फल देने काबिल हो जाएं, तो उनको दूसरे मुल्कों में भेज दो खाने के लिए। वाह क्या बात है। हम भी देखेंगे, डॉक्टर बन के तुम करोगे क्या? आजकल MBBS को पूछता कौन है? किसी सड़ी सी गली में तुम डिस्पेंसरी खोल के बैठोगे, सारा दिन बैठे मखे ही मारते रहोगे। पैसे वाले तो किसी बड़ी डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के पास ही जाते हैं भैया। अम्मा बी की आंखों में इंतजार की आंधियां आई, लेकिन कोई खत उड़कर नहीं आया। इम्तिहान में एक दो महीने ही रह गए थे। आखिरी आंधी थी कि माजिद का खत आ गया। उसमें लिखा था कि माजिद ने वहां शादी कर ली है, वहां की शहरियत इख्तियार कर ली है। शादी के वक्त वो बहुत रोया, अम्मा बी को बहुत याद किया, लेकिन उनकी बीवी ने उनको दिलासा दिया तो उनको थोड़ा करार आया। आखिर में लिखते हैं कि आपकी बहू आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। खत के आखिर में अम्मा बी काफी देर तक अकेली बैठी रही, कांप कांप कर रोती रही। अम्मा बी को माजिद की बीवी से काफी नफरत हो गई। शाम को अम्मा बी की दोनों बेटियां घर आईं, दोनों काफी रंजीदा थीं। दोनों ने मिलकर माजिद की बीवी को बहुत बुरा भला कहा। अम्मा बी ने पहली बार अपनी बेटियों पर तंज किया। आ गया तुम लोग कुछ है। हो गई तुम्हारी तसल्ली, बनवा दिया अपने भाई का मुस्तकबिल। अब शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में अपने बच्चे की शक्ल ना देख सकूं दोबारा। वाह भाई वाह अम्मा वाह, हमने दिखा के भेजा था उसे कि शलजम के मुंह वाली से शादी कर ले। दुनिया जाती है पढ़ने, तरक्की इसी तरह करते, लेकिन आप तो सारे इल्जाम हमें दिया करें बस। छोटी आपा, कभी तो अपनी जबान पे काबू रखा कीजिए। क्यों रखूं मैं काबू? अगर भाई जान होते तो वो कौन सा अम्मा के पल्लू से लग के बैठ जाते, और तुम तो बस लगे रहो पल्लू से। मैं वापस मिल लड़ो, मत लड़ो वापस। रात को जब अम्मा बी की बेटियां अपने अपने घरों को चली गई, तो अम्मा बी चुपके से माजिद के रूम में गई। कांपते हुए हाथों से अलमारी का ताला खोला और माजिद की दुल्हन के लिए जो बरी बनाई थी उसे खोई खोई नजरों से देखने लगी। फिर अलमारी को बंद करके जब वो ताला लगाने लगी, तो जैसे सारे जिस्म की ताकत उनके हाथों में आ गई। Thank you.
जिस दिन साजिद मियां ने MBBS के आखिरी साल का इम्तिहान दिया, उस दिन अम्मा बी ने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास ना हो पाए, उसको वजीफा ना मिले। मगर जब नतीजा निकला तो वो बिल्कुल उनकी दुआओं के बरक्स था। मैं तो कहती हूँ अम्मा, साजिद को सर्जरी की आला तालीम के लिए माजिद के पास ही भेज दीजिए। अब तो वहाँ अपना घर भी है और माजिद की बीवी इतनी बुरी भी नहीं है। अगर बुरी होती तो माजिद किस तरह अपनी बहनों को पूछ सकता था, और उसने अभी तो बच्चों को तोहफे और तोहफे भी भेजे हैं। ठीक कह रही हैं बड़ी आपा, और वैसे भी अम्मा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तो माएँ सोचती हैं ना, और कौन सोचेगा। छोटी आपा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं किसी गली में डिस्पेंसरी खोलूँगा। ठीक है, मत जाओ, हमें क्या, मैं भी देखती हूँ जब तुम्हारी डिस्पेंसरी पर मक्खियाँ भिनकेंगी ना, फिर पूछूंगी मैं तुमसे। अरे भैया, तुम तो आगे बढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते हो। माशाल्लाह से पूरे 23-24 के आदमी हो गए हो और नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह अम्मा बी की पट्टी से पट्टी जोड़ के सोते हो, मगर बातें इस तरह करते हो जैसे बहनों के दाता हो। अरे भाई, तरक्की तुम करोगे, खुशी हमें ही होगी ना। बस कर ली इन्होंने तरक्की और देख लिया हमने ये सब। साजिद की शादी का सोचती तुम, पर फिर सोच के दिल दहल सा जाता है कि तन्हाई और बुढ़ापा जाने क्या सलूक करे मेरे साथ। कहीं साजिद भी माजिद की तरह बदल गया तो मैं क्या करूं। अम्मा, खानदान वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आप साजिद की शादी नहीं करना चाहते, उसे घुटने से लगाए लगाए बूढ़ा कर देंगे। जरा खुद सोचे अम्मा, साजिद अपने आम उम्र को 4-4 बच्चों का बाप बना देखता होगा तो क्या सोचता होगा। कल जब माजिद को कामों से फुर्सत मिली तो वो आपको याद करके बहुत रोए। वो जिद कर रहे थे कि फौरन अपनी अम्मा बी से मिलने जाएंगे, लेकिन उस वक्त ये भूल गए थे वो कि वो जल्द फिर बाप बनने वाले। तब मैंने उन्हें समझाया कि वो लोग जिनका हाल इनकी दस्तरस से बाहर और मुस्तकबिल में इनका कोई हिस्सा नहीं, और वो लोग जिनका मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है, आखिर इन्हें एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। सारा खत पढ़ने की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो देर तक तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। सज्जू, अरे अम्मा भी आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। सोच है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। शादी क्यों?
इसमें हैरानी वाली क्या बात? अम्मा भी, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी मोहब्बत में कोई और हिस्सेदार बने। ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग जिनका दिल उनकी दस्तरस में ना और मुस्तकबिल उनका इंतजार ना कर रहा हो, उन लोगों से जिनका मुस्तकबिल उनका इंतजार कर रहा है, एक ना एक दिन बिछड़ ही जाते। मेरा क्या, आज हूं कल नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सो जा पगले, मुझे भी नींद आ रही। सो जा। वाह भाई वाह, हद है वैसे अम्मा, शाम होने वाली है, अम्मा बेटे अभी तक सो रहे हैं। अम्मा अभी दुल्हन का कमरा भी सजाना है और मैं सोचूं माजिद भाई वाला कमरा सजा देते, काफी बड़ा है, बहुत अच्छा सजेगा। हटो यहाँ से। माजिद की कमरे को कोई हाथ नहीं लगाया। माजिद जब भी हमसे मिलने आएगा वही ठहरेगा ना। ओहो अम्मा, अगर भाई 10-15 दिन के लिए भाभी के साथ आएंगे तो देखा जाएगा, अगर 5-6 दिन के लिए आएंगे तो आपके कमरे में सो जाएंगे। अल्लाह कसम अम्मा, अमजद भाई का कमरा बहुत अच्छा है। नहीं, उसका कमरा मत सजाना, वो सिर्फ माजिद का, किसी की चीज नहीं छीनता, बहुत गुनाह होता। क्या फजूल बातें हैं छोटी आपा, जो कुछ अम्मा भी कहें वो कीजिए। अम्मा भी आप ख्याल ना कीजिए, आप तो जानती हैं छोटी आपा हमेशा की ही जिद्दी हैं। ओहो मेरे प्यारे भैया, आज आप कुछ भी बोलेंगे ना मैं सुन लूँगी। क्यों अम्मा, आज इनकी शादी जो है। बड़ी अजीब लड़की। अच्छा अम्मा भी, मैं अब डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, आप यहीं बैठिएगा, कोई काम नहीं कीजिएगा, ठीक है? इस लड़की क्या है? अम्मा भी जब दुल्हन को रुखसत करके घर लाए तो वो खुशी से फूले ना समा रही थी, मगर आरसी मसफ और मुंह दिखाई के रस्म के बाद जब वो दुल्हन को कमरे में ले गई तो उनके दिल पर जैसे खामोशी ने यलगार कर दी हो। अब साजिद भी चला जाएगा, आज उन्होंने इसे खो दिया। जा मेरा बेटा, जा अपने कमरे में जा, दुल्हन इंतजार कर रही होगी, बस बहुत हो गया। चला जाऊंगा मैं भी। देखो जरा। चलिए भाई, बहुत देर हो गई है, जाके सो जा। बड़ी आपा, क्या आज आप अम्मा भी के पास मेरे बिस्तर पर लेट सकती हैं?
मैं यहाँ आराम से छप्परघर पे लेट जाऊँ, वहाँ मेरी सहेलियाँ बुरा नहीं मानेंगी, वो सब बेचारी कालीनों पे लुढ़कती रहेगी। तो फिर आप छोटी आपा? अल्लाह सांजे, तुमने अम्मी को दूध पीता बच्चा बना दिया। माशाल्लाह से अम्मी अब तुम्हारे घर से फारिग हो गई है, अब उन्हें सुकून से सोने दो। तुम अम्मा भी ठीक ही तो कह रही है बहने, और वैसे भी बहुत थक गई हूँ, मुझे तो अब खुद भी बहुत नींद आ रही है। तू चला जा, जा। मैं अभी चला जाऊंगा अम्मा, अभी आप सो जाएं, मैं चला जाऊंगा। जल्दी आइए। मैं अभी नहीं जा रहा, आ जाऊंगा। चलो आ जाओ। अच्छा भाई, तू ऐसे थोड़ी मानेगा। अरे ये पगला पांव दबाते दबाते यहीं सो गया, क्या कहेंगे सब कि यहीं सो गया। इसने सोचा होगा कि अम्मा भी रात को एक दफा तो जरूर उठती हैं, मेरे सर पे हाथ रखती और फिर सो जाती। जाने किस वक्त में ये गांव तकिया मेरे पैरों पे रख गया, पागल कहीं का।